हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको घर पे पिज़्ज़ा सॉस बनाने की रेसिपी बताने जा रही हूँ जो बहुत आसानी से बन जाती है। तो आइए हम पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 4 बड़े लाल टमाटर ले लिए और टमाटर में मैं इस तरह से कट डाल देती हूँ। बीच में मैं कट इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसे बाद में छीलने में आसानी हो और हमारा टमाटर जब तैयार हो जाए तो हम इसे आसानी से छील सकें। ये देखिए मैंने टमाटर में कट डाल दिए हैं। अब मैं इसे ढक के गैस पे रख देती हूँ, गैस ऑन कर देती हूँ। गैस ऑन करके मैं इसे 3 से 4 मिनट तक गैस पर पकने दूँगी। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए हमारा टमाटर रेडी हो गया है। अब हम इसे ठंडे पानी में निकाल देंगे। गैस ऑफ कर रही हूँ मैं और इसे ठंडे पानी में डाल देती हूँ। मैं इसे ठंडे पानी में डाल रही हूँ ताकि इसे छीलने में आसानी हो। मैंने 4 टमाटर लिए हैं। मैंने जितने स्पाइसेस लिए हैं उसके हिसाब से आप 1-2 टमाटर और इसमें बढ़ा सकते हैं। मैंने थोड़ा सा स्पाइसेस ज़्यादा लिया है, उस क्वांटिटी के हिसाब से 1-2 टमाटर और ऐड कर सकते हैं इसमें। ये देखिए अब मैंने टमाटर को छील के रेडी कर लिया है। मैंने लहसुन की 4-5 कर लिए और 1 प्याज को चॉप कर लिया है। मैंने टमाटर की प्यूरी तैयार कर ली है और ये हमारा प्याज और लहसुन चॉप किया हुआ, ये चिली फ्लेक्स, नमक, कश्मीरी मिर्च, पिज़्ज़ा हर्ब्स, काली मिर्च और थोड़ा सा टमाटो सॉस ले लिया है मैंने। तो आइए अब सॉस बनाना स्टार्ट करते हैं। सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस पे कढ़ाई रख ली है, हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। मैं इसे सरसों के ऑयल में बना रही हूँ। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल हो तो आप इसमें ऑलिव ऑयल में बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा अच्छी बनती है। ये देखिए मैंने इसमें तेल में लहसुन डाल दिया है। लहसुन को डाल के मैं इसे थोड़ा सा पका लूँगी। लहसुन को बिल्कुल लाल नहीं करना है, इसे हल्का सुनहरा फ्राई करना है। ये देखिए हमने लहसुन फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें अपना चॉप किया हुआ प्याज भी डाल देते हैं। प्याज को भी हमें बिल्कुल लाल नहीं करना है, इसे भी हल्का ही फ्राई करना है। बस इसका कच्चापन दूर करना है। प्याज को हमें बिल्कुल सॉफ्ट करना है। इसे हम 1-2 मिनट तक पका लेते हैं गैस पे अच्छी तरह से। देखिए ये हमने अपनी टमाटर की प्यूरी को इसमें डाल दिया है। इसे डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके मैं इसे ढक के 3 से 4 मिनट के लिए गैस पे पकने दूंगी। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे 3 से 4 मिनट होने के बाद। अब मैं इसमें अपने स्पाइसेस डाल लेती हूँ। इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च, पिज़्ज़ा हर्ब्स, नमक स्वाद अनुसार डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा टमाटो सॉस भी डाल रही हूँ। इसमें मैंने बड़े चम्मच से 1/2 चम्मच डाला टमाटो सॉस। टमाटो सॉस बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करके 3 से 4 मिनट और तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम इसे सर्व कर लेंगे। ये देखिए बस अब इसे ढक के हम पका लेते हैं 3 से 4 मिनट और ये हमारा सॉस रेडी हो चुका है। ये देखिए इसे आप रोटी पराठे या पिज़्ज़ा पे किसी पे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।